नमस्कार, मैं मनीषा स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हर शनिवार को हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ नया, कोशिश करते हैं आपकी परेशानियों को सुलझाने की। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्स की। एग्जाम्स के दिनों में बच्चों का मन जो है वो पढ़ाई में ना लगना एक बहुत ही आम बात है। तो जानेंगे क्या टिप्स बढ़ा सकते हैं आपके बच्चों की एकाग्रता हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारे पास रोज ही कई मेल्स और फोन्स आते हैं जिनमें आम समस्या होती है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन उनका नहीं बैठ पा रहा है, और साथ ही में अगर बच्चा कुछ पढ़ता भी है तो वो भूल जाता है, और एग्जाम्स जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे पेरेंट्स की परेशानी बढ़ती ही चली जा रही है। इस परेशानी को सुलझाने की कोशिश करेंगे आज जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो आइए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ वास्तु टिप्स और सरल से उपाय। गुल्लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपिला दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। मित्रों, हर माता पिता की एक चिंता होती है कि उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके उनका और उनके परिवार का नाम रोशन करें, और इसके लिए जो माता पिता है आप और हम अपने खर्चों में कटौती करके अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। और जैसे जैसे परीक्षाओं का समय आता है तो परीक्षाओं का जो टेंशन है वो बच्चों पे तो कम और माँ बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा रहने लगता है। दिन रात की नींद उड़ जाती है, उठ जा बेटा पढ़ ले, उठ जा बेटा पढ़ ले, बस यही मुंह से शब्द निकलते रहते हैं। वो परीक्षाओं का नाम सुनते ही बच्चों को जो याद किया हुआ है वो भी भूलने लगता है। मम्मी सब याद कर लिया था, पापा सब याद कर लिया था, लेकिन भूल गया एग्जाम वाले दिन। एग्जामिनेशन फीवर अर्थात परीक्षा का बुखार आने लगता है। एग्जाम होने से ठीक एक दिन पहले बुखार आ जाएगा, ये क्या है? तो क्या आप भी अपने बच्चों की पढ़ाई, उनके करियर, उनके प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्ति को लेकर चिंतित हैं? क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा बार बार याद करने के बाद भी भूल जाता है? क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, ध्यान नहीं दे पा रहा है? क्या आपका बच्चा पढ़ने के समय थोड़ी थोड़ी देर में उठने लगता है? क्या उसमें एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की कमी है? यदि हाँ तो मित्रों, आप परेशान मत होइए, आज मैं आपकी इसी परेशानी को खत्म करने के लिए कुछ वास्तु टिप्स और कुछ सरल उपाय लेकर आए। आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अमल में लाइएगा। निश्चित तौर पर आपकी जो समस्याएँ हैं इन सभी समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। जी पंडित जी, अब शुरू करेंगे और जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे टिप्स से हम हमारे दर्शकों से या उनके बच्चों में एग्जाम्स में सफलता पा सकते हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं आपके घर में बने बच्चों के अध्ययन कक्ष अर्थात स्टडी रूम के बारे में। तो क्या आपके घर में बना बच्चों का स्टडी रूम भी आपके बच्चों की मानसिकता और शारीरिक उन्नति को प्रभावित करता है? निश्चित तौर पर मित्रों, आपके घर में वास्तु सम्मत बना स्टडी रूम अध्ययन कक्ष जहां शुभ परिणाम देता है, वहीं अशुभ स्थान और गलत स्थान पे बना या गलत वास्तु से बना जो स्टडी रूम है वो बच्चों से संबंधित नाना प्रकार की परेशानियां देने लगता है। तो आइए जानते हैं कि स्टडी रूम के वास्तु के बारे में कि वो कैसा होना चाहिए। तो पढ़ाई में अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को चाहिए कि वो अपने अध्ययन के लिए घर में वास्तु के अनुकूल स्थान का चयन करके उसे वास्तु के अनुकूल ही सजाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दो दिशाएं और एक कोण ज्ञान प्राप्ति के लिए स्टडी रूम के लिए सबसे शुभ माना गया है। वो कौन सा है? वो है दिशा जो है वो एक तो है पूर्व दिशा, जिसका जो प्रतिनिधि है वो स्वयं भगवान सूर्य है। ईशान कोण, जिसके जो प्रतिनिधि है वो स्वयं भगवान गुरु है। और उत्तर दिशा, जिसके जो प्रतिनिधि हैं वो स्वयं भगवान बुद्ध, शिक्षा के जो दाता हैं माँ लक्ष्मी की जो दिशा है वो जो मानी गई है उत्तर दिशा मानी गई। और इसी दिशा में गुरु सूर्य जैसे ग्रहों का उत्तम प्रभाव प्राप्त होता है। तो ईशान कोण में पूरब और उत्तर के कोने में बना जो कोण है, ईशान कोण में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को बुध ग्रह से बुद्धि,
वृद्धि और गुरु ग्रह से सात्विकता, धार्मिकता, महत्वाकांक्षा, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास एवं तीव्र विलक्षण बुद्धि, जिज्ञासु बुद्धि और प्रतिभा प्राप्त होती है। ध्यान रखिए कि जो भी आपका स्टडी रूम है उसका जो दरवाजा है वो पूर्व ईशान, दक्षिण आग्नेय, पश्चिम वायव्य व उत्तर ईशान में होना चाहिए। इनमें से किसी में भी दरवाजा रखने से कमरे में साज सज्जा जो है वो ज्यादा व्यवस्थित रहती है। विद्यार्थियों को, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनको कभी भी दरवाजे की तरफ पीठ करके अध्ययन नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि आपके पढ़ने के कमरे में सूर्य की जो किरणें हैं, सुबह की जो किरणें हैं, वो यदि अध्ययन कक्ष में आती हैं तो खिड़की दरवाजे सुबह के वक्त खोल कर रखने चाहिए ताकि सुबह के सूर्य की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका लाभ आपको मिल सके। और यदि सूर्य की किरणें शाम के समय आती हैं तो अपने खिड़की दरवाजों को बिल्कुल मत खोलिएगा, क्योंकि दोपहर व उसके बाद की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो प्रवेश कर जाती है। सूर्य की ऊर्जा बहुत शुभ मानी गई है, शाम के समय अशुभ मानी गई है। घर का जो ईशान कोण में स्थित जो कमरा है उसमें पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए, यानी जब आप पढ़ने बैठे हों तो आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है, इससे जो बच्चे हैं यदि पूर्व दिशा में बैठते हैं तो सूर्य की दिशा, सूर्य के समान तेजी आती, जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं उसको बड़ी जल्दी से वो समझ जाते हैं, याद हो जाता है और कम समय में याद करके परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यदि पूर्व मुखी बैठकर पढ़ने की व्यवस्था न हो तो ऐसी स्थिति में ईशान कोण या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पढ़ना भी शुभ माना जाता है। तो दो दिशाएं पढ़ने की बताई गई, पूरब दिशा, उत्तर दिशा या ईशान कोण। यदि आप अपने पढ़ने के कमरे में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो कंप्यूटर कहाँ रखना चाहिए, आग्नेय कोण में। आग्नेय कोण कौन सा हुआ, आग्नेय कोण हुआ पूरब और दक्षिण का जो कोना है वो आग्नेय कोण, या दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में कहीं पे भी आप उसको रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ईशान कोण यानी पूरब और जो उत्तर का जो सबसे शुभ कोना है वहां पर आपको कंप्यूटर नहीं रखना है, बिजली से संबंधित कोई भी उपकरण आपको वहां पर नहीं रखने हैं। इस ईशान कोण में यदि हम कंप्यूटर रखते हैं तो एक तो जल्दी खराब भी हो जाता है और उपयोग भी कम से कम आता है। सोने की जो दिशा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सदैव पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा से ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। अक्सर अगर पश्चिम दिशा में करके सो रहे हैं तो बच्चों में उच्चाटन रहेगा, और दक्षिण दिशा में अगर करके सो रहे हैं तो बच्चों का जो मन है ये टीवी, फिल्मों, म्यूजिक और इनमें लगने लग जाता है, पढ़ाई में कम। तो पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा पूरब दिशा की तरफ सिर करना है और पश्चिम दिशा की तरफ पांव करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जी, तो दोस्तों पंडित जी आपको बता रहे हैं कुछ टिप्स जो बढ़ाएंगे आपका कॉन्सेंट्रेशन, चलिए आगे भी जान लेते हैं। जी बिल्कुल, जो बच्चे हैं हमारे विद्यार्थी जो बच्चे हैं उनको कभी भी कोई बीम, यदि कमरे में कोई बीम हो या दुछती हो, छज्जा जिसको हम बोलते हैं, घर में अक्सर छज्जा लगा देते हैं सामान रखने के लिए, तो बीम और दुछत्ती के नीचे बैठकर कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। अन्यथा यदि आप बीम के नीचे पढ़ रहे हैं, दुछत्ती के नीचे सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अध्ययन कक्ष के जो ईशान कोण है, पूरब और उत्तर का जो कोना है, वहाँ पे आपके जो आराध्य देव माँ सरस्वती की वहाँ पे तस्वीर लगाइए, भगवान सूर्य की तस्वीर लगाइए, गणपति की तस्वीर लगाइए, और वहीं पर ही पीने के पानी की व्यवस्था भी रखनी चाहिए। यदि आपको अपने अध्ययन कक्ष में पानी चाहिए तो जो आपका ईशान कोण है वहाँ पे जल भर के रखिए। आपका जो स्टडी रूम है उनकी दीवारों के ऊपर महापुरुषों के, अपने चहेते जो सफल व्यक्ति है, सक्सेस पर्सन जो हैं इस दुनिया के, उनके चित्र लगाइए ताकि उनसे प्रेरणा मिल सके, भगवान गणपति का, माँ सरस्वती का चित्र लगाइए। बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका जो अध्ययन कक्ष स्टडी रूम है उसका कलर कॉम्बिनेशन, तो दीवार और वो जो पर्दे वहाँ पे जो लगाते हो उनका जो रंग है वो हल्का पीला होना चाहिए, हल्का हरा, हल्का आसमानी या हल्का बादामी भी हो सकता है। सफ़ेद रंग
को थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि सफ़ेद रंग क्या करता है, विद्यार्थियों के ऊपर सुस्ती लेके आता है, आलस लेके आता है। तो सफ़ेद रंग को अवॉइड करा करिए स्टडी रूम में। छत हो कोई बात नहीं, दीवारें जो है वो वाइट नहीं हो। वहीं यदि अध्ययन कक्ष में एक से अधिक बच्चे पढ़ते हो, सपोज आपके घर में तीन बच्चे पढ़ने वाले हैं, सब एक ही कमरे के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों के पढ़ने के कमरे में उन्हीं के ही हंसते मुस्कुराते हुए एक सामूहिक फ़ोटो अगर कोई ऐसा हो जिसमें सभी आपके घर के बच्चे हों उस फोटो में, उस फोटो को अवश्य लगाएं पूर्व या उत्तर दिशा में। इससे क्या होता है, बच्चों में मिलजुल कर रहने की भावना विकसित होती है, कंपटीशन नहीं होता आपस में, मिलजुल कर। वो यदि अध्ययन कक्ष के साथ यदि टॉयलेट हो तो उसका दरवाजा आपको हमेशा बंद रखना, टॉयलेट को बहुत ज़्यादा सजाना नहीं है, उसमें साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना और कोशिश करें कि अध्ययन कक्ष में तो टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए। और यदि आप अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, अच्छी उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अध्ययन कक्ष में अनावश्यक पुरानी किताबें जो काम की नहीं है, कपड़े जो काम के नहीं है, या किसी भी प्रकार का कबाड़ जो है वो अपने अध्ययन कक्ष में मत रखिए। उसको एक डस्टबिन अवश्य रखिए। अक्सर बच्चे कागज फाड़ के जमीन पे फेंकते रहते हैं, वो नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती रहती है। तो जो भी आप कागज फाड़ रहे हैं, कचरा कर रहे हैं, शॉर्पनर पेंसिल चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो डस्टबिन पास में होना चाहिए, उसके अंदर डालें। निश्चित तौर पर उससे आपको एक नेगेटिव एनर्जी से आपको मुक्ति मिलेगी। वहीं यदि आपके घर के सामने वाले भाग के दोनों तरफ की खिड़कियां टूटी हो, फूटी हो या पुरानी हो, तो उसका भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसी टूटी हुई जो खिड़कियां हैं उनको बदल डालिएगा। अध्ययन कक्ष में विद्यार्थी की जो टेबल है, पढ़ने वाले बच्चों की जो टेबल है, वो पूर्व उत्तर ईशान कोण में रखनी चाहिए। कभी भी उस टेबल को दक्षिण आग्नेय कोण में नहीं रखनी चाहिए, नैऋत्य में नहीं रखनी चाहिए, उत्तर वायव्य में नहीं होनी चाहिए। अगर अग्निकोण में टेबल रख दी तो वो गुस्सा ही गुस्सा आता रहेगा उसको। ईशान कोण में रखिए, सबसे शुभ कोण। अध्ययन कक्ष में जूते चप्पल जो है वो नहीं रखने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। जूते चप्पल पहनकर प्रवेश भी नहीं करना चाहिए और उसमें जूते चप्पल रखने भी नहीं चाहिए। बच्चों के कमरे के अंदर नियमित रूप से नमक के पानी का पोछा अवश्य लगाइए। नमक जो होता है वो नेगेटिव एनर्जी को सक करता है, इसलिए इस छोटे छोटे टिप्स का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जी चलिए, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे जानेंगे कि किन किन चीजों को आपको अवॉइड करना है आपके स्टडी रूम से रिलेटेड। लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है आपके स्टडी रूम के लिए। जी बिल्कुल, अध्ययन कक्ष में बहुत सारी चीजें हैं, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, इन सभी पे हम चर्चा कर ही रहे हैं। अध्ययन कक्ष में स्टडी रूम में अध्ययन सामग्री जैसे अभ्यास पुस्तकें रखने की जो अलमारी है, जो टेबल है, उत्तर या पूर्व जो दिशा है उसकी दीवार से लगी भी होनी चाहिए, सटी भी होनी चाहिए। आपके बच्चों का जो पढ़ने का कमरा है वहाँ पे एक पेंडुलम वॉच लगाइए, पेंडुलम वॉच जो हिलती भी रहती है, पेंडुलम वॉच, और वो किस दिशा में, पूर्व या उत्तर दिशा में। तो उससे क्या होता है, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है। घड़ी जो है वो पूर्व या उत्तर दिशा में पेंडुलम वॉच अवश्य लगाइए। बच्चों के पढ़ने के कमरे में प्रेरक व आदर्शवादी चित्र, माँ सरस्वती का, विद्या बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी और गुरुजनों के चित्र अवश्य लगा के रखिए। थोड़ा बच्चों में संस्कार आते हैं, युद्ध लड़ाई झगड़े हिंसक पशु पक्षियों के चित्र और मूर्तियाँ नहीं रखना चाहिए, ये फिल्मी हीरो के जो पोस्टर हैं, हीरोइनों के पोस्टर, वो नहीं लगाने चाहिए। ये सब दिमाग को भटकाते हैं, उद्देश्य से भटकाते हैं। अध्ययन कक्ष में केवल ध्यान, अध्यात्म, चिंतन, वाचन, सात्विक, इन बातों की चर्चा होनी चाहिए और अध्ययन ही करना चाहिए और उससे जुड़ी सामग्री ही होनी चाहिए। उसके अलावा बेकार की कोई सामग्री रखने की आवश्यकता नहीं है। आपके स्टडी रूम में बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए, बंद घड़ी पूरे ही घर में नहीं होनी चाहिए। कोई घड़ी आपके घर में बंद पड़ी हुई है
आपने शोरूम में सजा रखी है, शोकेश में सजा रखी है, आप उसको हटा लीजिए, मत रखिए उसको। बंद घड़ी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा देने लगती है। टूटे फूटे पेन, बंद पेन काम में नहीं आ रहे हैं, रिफिल ख़त्म हो गई है, टूट गए हैं, फिर भी संभाल के रखते हैं, नहीं बेटा उनको फेंक दीजिए। उनको धारदार चाकू, हथियार, औजार, पेचकस इत्यादि ये कभी अपने स्टडी रूम में नहीं रखे। उनको स्विच बोर्ड जितने भी आपको रखने हैं, बनाने हैं, वो आग्नेय कोण में ही बनाने हैं। स्विच बोर्ड ईशान कोण में उसको नहीं बनाना है, यानी पूर्व दक्षिण का कोने में बनाए, पूर्व उत्तर के कोने में नहीं बनाए। अध्ययन कक्ष में जो भी आपका स्टडी रूम है, वहाँ पे जो आपने भगवान की तस्वीर रख रखी, वहाँ सुबह शाम कपूर आरती करें या शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। हल्की खुशबू की अगरबत्ती, दो अगरबत्ती अवश्य जलानी चाहिए। एकाग्रता आती, कंसंट्रेशन आती है जी। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि कैसी हो अध्ययन टेबल की व्यवस्था। जी आइए जानते हैं कि अध्ययन टेबल की व्यवस्था और संयोजना के बारे में। तो आपकी जो स्टडी रूम के अंदर जो स्टडी टेबल है, उसके ऊपर अपने आराध्य देव गुरु या जिस किसी देवी देवताओं को आप मानते हो, अथवा विद्या के अधिपति देवी व देवता जैसे माँ सरस्वती, भगवान गणेश जी को अपने सामने उनकी निरंतर कृपा प्राप्ति हेतु रख सकते हैं। अपने टेबल के ठीक सामने उनकी कोई तस्वीर रख सकते हैं। टेबल जो है वो हमेशा आयताकार होनी चाहिए, गोल या अंडाकार टेबल नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। टेबल के कोने जो हैं वो कटे हुए नहीं होने चाहिए या टूटे हुए नहीं होने चाहिए। कर्कश आवाज करती हुई वो टेबल नहीं होनी चाहिए, इस बात का बहुत विशेष आपको ध्यान रखना है। टेबल का जो रंग हो वो सफ़ेद हो सकता है, पीला हो सकता है, या उससे संबंधित रंग जो है वो उत्तम होता है। पेस्टल कलर काम में लेने, काला कलर आपको काम में नहीं लेना। कंप्यूटर टेबल पूर्व मध्य या उत्तर मध्य में रखने का प्रयास करें, ईशान में आपको नहीं रखना है, पश्चिम दिशा में भी आप उसको रख सकते हैं। स्टडी टेबल और जो आपकी कुर्सी है उसके ऊपर जो है वो सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, बीम नहीं होनी चाहिए, कॉलम नहीं होना चाहिए, उसके नीचे स्टडी टेबल नहीं रखना है। स्टडी टेबल बिल्कुल साफ सुथरी हो, ये नहीं कि उसमें धूल पड़ी भी हो, तो धूल जो है वो कभी भी उस पर नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एकाग्रता भंग होती है इस चीज़ से, तो इस बात का ध्यान रखिए। अध्ययन कक्ष में कभी भी कोई भी कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल जैसे खुली अक्सर अपन रख देते हैं, पढ़ रहे हैं खुली किताब रख दी, वो नहीं होना चाहिए। पढ़ लिया बंद कर दीजिए, पेन काम में ले लिया बंद कर दीजिए। अध्ययन कक्ष में कॉपी किताबों को हमेशा उनके नियत स्थान, जो भी आपकी रैक है वहाँ रख दीजिए, बैग है बैग में रख दीजिए, अलमारी है उसमें सलीके से रखने की कोशिश करें, बिखराव ना करें वहाँ पे। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि पढ़ाई की जो मेज टेबल है, कुर्सी है, वो न तो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, कॉपी किताबें जो आपकी वो फटी हुई नहीं होनी चाहिए, उन सभी पर धूल मिट्टी नहीं रहे, इस बात का ध्यान रखें, लगातार वहाँ पर साफ सफाई होती रहनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि जिस बिस्तर पर आप सोते हो उस बिस्तर पर बैठकर आपको कभी खाना नहीं खाना है और आपको कभी पढ़ाई नहीं करनी है। बिस्तर में बैठ के खाना खाओगे तो हमेशा बीमार रहोगे, और बिस्तर पे बैठ के पढ़ोगे 8 घंटे पढ़ लो, याद कुछ नहीं होगा। और जिस टेबल के ऊपर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई की जो टेबल है उस पर भी बैठ के कभी खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाते समय पढ़ाई की टेबल पर कॉपी किताबें बंद करके खाना पीने के लिए बनाए गए जो नियत स्थान है, डाइनिंग टेबल है, वहाँ बैठ के खाना खाइए। और टीवी के सामने बैठ के अक्सर बच्चों में गलत आदत पड़ गई है कि टीवी देखते जा रहे हैं और खाना खाते जा रहे हैं, नहीं तो ऐसा खाना आपको हजम होता है और आपकी बुद्धि भी खराब होती है, जो देख रहे हो वही आपकी बुद्धि में घुसता जा रहा है। तो बच्चों की आदत डाली कि जब वो खाना खाएं, लंच डिनर जब भी ले, उस वक्त टीवी को बंद करके रखिए, टीवी मत चलाइए। बहुत गंदी आदत आज के समय बच्चों में पड़ चुकी है, उसको दूर करने का आप माता पिता स्वयं ही प्रयास कर सकते हैं। हमेशा पढ़ाई प्रारंभ करते समय अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए कॉपी किताबों को अपने मस्तक से लगाकर पढ़ाई को शुरू करना चाहिए। यही प्रक्रिया पढ़ाई को समाप्त करने के बाद भी दोहरानी चाहिए। और जो पढ़ने का सबसे अच्छा समय होता है वो है ब्रह्म मुहूर्त, अर्थात सुबह के 4 बजे का माना गया है। उस काल में पढ़ाई करते समय हमें कई गुना ज़्यादा और तेज़ी से अपना पाठ याद होता है,
इसलिए जो पढ़ने वाले छात्र कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं वो लेट नाइट दो दो तीन तीन बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर सो रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं। वो जो आपकी हैबिट है उसको छोड़िए, आप सुबह जल्दी उठिए और सवेरे पढ़ाई करिए। निश्चित तौर पे आपको याद होगा, कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी। सुबह उठ के पढ़ने बैठ जाइए, रात को पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है। विद्यार्थियों को घर पर पढ़ते समय एक तो जूते मोजे पहन के, सर्दी है वो बात अलग है, मोजे पहन ली, लेकिन जनरली जूते मोजे पहन के घर पे, स्कूल में पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन घर में बैठ के कभी नहीं पढ़ना चाहिए। आइए अब आगे जान लेते हैं बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के कुछ सरल से उपाय। जी बिल्कुल, कुछ अच्छे उपाय आज मैं आपको बता रहा हूँ जिनसे बच्चों की याददाश्त को बढ़ाया जा सकते हैं। पहला उपाय, थोड़े से चावल ले लीजिए, उन्हें हल्दी के घोल में रंग लीजिए, हरिद्रा में रंग लीजिए। अब उन चावलों को कोई पास में शिव मंदिर हो, भगवान शंकर का मंदिर हो, वहाँ जाकर उन चावलों को अर्पण कर दीजिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि वो आपकी याददाश्त बढ़ाए, आपके बच्चे की याददाश्त बढ़ाए। मंदिर में कुछ चावलों को छोड़कर जो थोड़े से उनमें से शेष चावल है वो अपने घर पे ले आए, और जो घर पे जो आप चावल लाए हैं उनको एक चांदी की चोको डिब्बी में रख, चांदी के चोको डिब्बी में रखकर अपनी माता को, बच्चे जो हैं वो अपनी माता को भेंट कर दे। वो इस डिब्बी को संभाल कर घर का जो उत्तर पूर्वी यानी ईशान कोने, बच्चों का जो वो कोना है ईशान कोण का कमरे का, वहाँ पे वो उसको रख देंगी। निश्चित तौर पे बच्चों की जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, याददाश्त है वो आपको बढ़ती हुई दिखेगी। विश्लेषणात्मक याददाश्त के लिए भी मैं एक बहुत अच्छा उपाय और बता देता हूँ। दूध का कुल्हड़, मिट्टी का जो कुल्हड़ आता है उसमें दूध भरकर रोजाना किसी मंदिर में दान करें। यह 13 दिन तक आपको नियमित रूप से करना है, 13 डेज तक। निश्चित तौर पे याददाश्त जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी, कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। अक्सर बच्चों को डर लगता है ये साइंस और गणित, जो भी पूछो गणित में कमजोर हैं, विज्ञान में कमजोर हैं, तो गणित और विज्ञान संबंधी याददाश्त को बढ़ाने के लिए भी एक बड़ा सरल उपाय बताओ। छोटे फूलों वाले कपड़े पहनना शुरू करें और उन पर पीले रंग के एम्ब्रॉयडरी या पेंटिंग वाले फूल बने हों, ठीक है, ऐसे कपड़े आप पहनिए तो येलो जो कलर है वो आपके मैथमेटिक्स, आपके साइंस जैसे सब्जेक्ट की याददाश्त को बढ़ाता है। वहीं जनरल नॉलेज, आजकल हर कंपटीशन में जनरल नॉलेज की, सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो कैसे बढ़ाएं अपना सामान्य ज्ञान, पढ़ा के तो आप बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा ये एक छोटा सा उपाय है, इससे भी आप बढ़ा सकते हैं। तो कांसे के छोटे बर्तन में, कांसा जो आता है उसके छोटे बर्तन में सरसों के तेल में हल्दी पाउडर को गूंथ कर एक उसका गोला बना लें, उसे पीपल के पेड़ पे चढ़ा के आना है, पेड़ के नीचे इसे रखकर अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि वे आपकी स्मृति को बढ़ाएं, आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, याददाश्त को बढ़ाएं। इस गोले का एक छोटा भाग पेड़ के नीचे रखकर आए और शेष हिस्से को घर में ले आए और इसे अपनी माता को दे दे ताकि वे इसे घर के उत्तरी पूर्वी यानी ईशान कोण में सुरक्षित स्थान पर रखें। बड़ा सरल उपाय है, करके देखिएगा। निश्चित तौर पर इन सरल उपायों से आपकी जो याददाश्त है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा और साथ ही मैं आपको किसी नए तरह की जानकारी देने में सफल रहा होगा। अगले हफ्ते फिर किसी नई जानकारी को लेकर के आएंगे आपके साथ। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। दोस्तों, अगर आपकी कोई समस्या है और आप चाहते हैं कि पंडित जी उसका समाधान करें तो आप सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप हमें कभी भी मेल जरूर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।